मदीने चला मैं मदीने चला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जैसे भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपको हमेशा शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। मेरे अजीज़ों, मैंने कल सवाल किया था आपसे कि गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं और वज़ू में कितने फ़र्ज होते हैं। अब मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने कमेंट की, बहनों ने कमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे बताऊं कि गुस्ल में और वुजू में कितने फ़र्ज होते हैं। उससे पहले शहाब भाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया था कि शहाब भाई के ताल्लुक से कि डॉक्टर जुनैद साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग सोच भी नहीं सकते इतनी जल्दी उनका सफ़र शुरू होने वाला है शहाब भाई का। और उन्होंने फेक न्यूज़ वालों के बारे में भी कुछ बताया कि उनके चक्कर में ना आए, क्योंकि अभी तो शहाब भाई आफिया में ही है, कुछ लोग आगे पहुँचा दिया शहाब भाई को। तो जुनैद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी जिसमें मैंने कल आपको वीडियो में बता भी दिया था, लेकिन आज एक बात और बताता हूं मैं आपको कि शहाब भाई का जो सफर है ना, अभी एक भाई का कल फोन आया, बोले भाई जान मैंने सुना है कि वो चीन के रास्ते से और पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चीन के रास्ते से जाएंगे वो सऊदी अरब। तो भाई चीन के रास्ते से तो वो अभी नहीं जाएंगे मेरे अजीज। देखिए अब मैं आपको बताऊँ, मैं वीडियो में इसलिए कह देता हूँ, शुरू से आखिर तक शहाब भाई का जिक्र कर रहे थे तो अभी भी उनका जिक्र करना जरूरी है। कुछ भाई नए वीडियो में आते हैं उनको पता हो जाता है। अभी मैं आपको गुस्ल और वुजू के फर्ज के बारे में बताऊंगा और एक और बहुत अच्छा अहम सवाल मैं आपसे आज पूछने वाला हूं, उसको भी आपको बताना है। देखिए और कलाम भी इतना प्यारा है आज का, शुरू में एक शेर सुन लिया होगा तुमने कि बहुत फरमाइश आई है इस कलाम की, बार बार इस कलाम की फरमाइश आती रहती है। तो मेरे अजीजों मैं आपसे बता दूं कि शहाब भाई जो है चीन के रास्ते से नहीं जाएंगे। शहाब भाई बाघा बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले अमृतसर में एक गांव पड़ता है खासा, वहीं आफिया किड्स स्कूल है, वहां रुके हुए हैं। तो भाईजान जब वो वहां से निकलेंगे इंशाल्लाह ताला तो हम आपको तुरंत बताएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल से जुड़ गए, कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और फिर आप हमसे जुड़ जाएंगे। जैसी भी हमारी जो भी अपडेट आती रहेगी आपको मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। शहाब भाई से रिलेटेड जो भी बात सामने निकल के आएगी हम आपको तुरंत बताएंगे। तो शहाब भाई जो है पाकिस्तान के रास्ते से ही जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए अब जब वो लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि फला दिन जाएंगे या फला दिन जाएंगे, वो दिन मुकर्रर नहीं कर रहे कि उस दिन शहाब भाई निकलेंगे यहां से, तो हम कौन होते हैं बताने वाले? इसीलिए हम जितना वो लोग बताते हैं उतना ही हम आपको बताते हैं कि शहाब भाई जो है जब निकलेंगे तो पाकिस्तान से ही निकलेंगे। और उन्होंने ये कहा है जो मैन आदमी शहाब भाई के साथ यानी डॉक्टर जुनैद साहब जिनका आफिया किड्स स्कूल है, कि शहाब भाई का सफर जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू होगा। तो जब शुरू होगा इंशाल्लाह ताला तो आपको हम बिल्कुल लाइव दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला शहाब भाई को चलते हुए भी। अब ये है कि शहाब भाई के ताल्लुक से जो भी हम वीडियो बना रहे हैं रोजाना, तो उसमें यह है कि आप लोग भी देख रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं आपको अच्छे अच्छे। अब जो है आप कलाम सुनिए। और दूसरी बात यह कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, कुछ नहीं होता, आप हमसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फ्री होता है। तो मैं आप टॉपिक पर आता हूँ। मैंने आपसे कल पूछा था कि गुस्ल में और वुजू में कितने फ़र्ज होते हैं। अब मैं आपसे बताऊं मेरे अजीज़ों के वुजू में कितने फ़र्ज होते हैं, चार बताए भाइयों ने। गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं, तो तीन बताए मेरे भाइयों ने। लेकिन गुस्ल के फ़र्जों के बारे में बता दिया, सभी ने बताया कि गुस्ल में तीन फ़र्ज होते हैं और ये होते हैं। पहला फ़र्ज़ गलारा करना सही तरीके से, दूसरा नरम हड्डी तक नाक की पानी पहुँचाना, तीसरा सारे बदन पर पानी बहाना कि एक बाल भी सूखा ना रहे। तो गुस्ल के फ़र्ज़ माशाल्लाह बताए। वुजू में ये बताया सभी ने कि चार फ़र्ज़ होते हैं, लेकिन वुजू के फ़र्ज़ों को गिनाया किसी ने नहीं। एक भाई ने गिनाया था वुजू के फ़र्ज़ों को लेकिन उन्होंने भी सही नहीं बताया। कोई बात नहीं, आपको दिल से सलाम, आपने कमेंट तो की, आपने कोशिश तो की मेरे अजीज़ों। तो गुस्ल के फ़र्ज सुन लीजिए। सबसे पहले गलारा करना बढ़िया तरीके से, हम नापाकी की हालत में हैं तो गलारा करना बढ़िया तरीके से, अपने हाथ धो लेना पहले, तो हाथ धो लेना, लेकिन ये हाथ धोना फ़र्ज़ नहीं है। मैं आपको गुस्ल के तीन फ़र्ज़ बताता हूँ। और आज का जो सवाल है वो भी बड़ा अहम है, नबी के सहाबी के ताल्लुक से है और बहुत प्यारा सवाल है, उसका भी आपको जवाब देना है। पहले मैं बता दूँ कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, तो सुन लीजिए। गुस्ल में तीन फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहले क्या फ़र्ज की बात चल रही है, आपने हाथ तो धो लेंगे बढ़िया करके कोई नहीं, लेकिन सबसे पहले गलारा करना बढ़िया तरीके से, गलारा इतना करना कि हमारा जो अंदर का मामला था सब साफ़ हो जाए बिल्कुल। फिर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, ठीक है। और तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पर पानी इस तरीके से बहाना कि हमारा एक भी बाल सूखा ना रहे। ये गुस्ल के तीन फ़र्ज़ हो गए। अब आ जाते हैं वुजू पर। वुजू में चार फ़र्ज़ होते हैं मेरे अजीज़ों और वो गुस्ल के फ़र्ज़ों से हटके हैं। अब सुनिए हटके कैसे हैं। वुजू में पहला फ़र्ज जो है वो यहाँ से बाल उगने की जगह से और दाढ़ी के यहाँ तक नीचे तक सही तरीके से मुंह धोना, ठीक है, इस कान की लो से इस कान की लो तक बढ़िया तरीके से मुंह धोना, ये पहला फ़र्ज हो गया, ठीक है। दूसरा फ़र्ज है वुजू का यानी यहाँ तक कोहनियों तक, ये सही तरीके से हाथों को कोहनियों तक धोना बढ़िया तरीके से, दोनों दूसरा फ़र्ज हो गया। तीसरा फ़र्ज
चौथाई सर का जो हम मसा करते हैं कानों में उंगली वगैरह डालते हैं, चौथाई सर का मसा, ये तीसरा फर्ज हो गया। और चौथा जो फर्ज है वुजू का वो है अपने पैर धोना टखनों तक, जो हमारे टखने होते हैं पैरों के वहां तक सही तरीके से पैर धोना। ये चार फर्ज हैं। आपको पता नहीं होगा मेरे अजीज, तो आज पता चल गया होगा कि वुजू में चार फर्ज होते हैं और कौन कौन से होते हैं। अब जो आज का मेरा सवाल है ना, फिर कलाम भी सुन के जाना, आज का जो सवाल है वो ये है मेरे अजीजों के वो कौन से अल्लाह के नबी के सहाबी हैं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सबसे पहले तलवार उठाई, बताइए जरा आप मुझे कमेंट में। और ये बात पता होनी चाहिए मेरे अजीजों, हम मुसलमान हैं यार, हमें इस्लाम की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि हमारे असलाफ ने किस कदर मुश्किलों का सामना करके, फाका कर करके यानी कि टाइम गुजारा है, और किस कदर इम्तिहान दिए हैं उन्होंने। आज हम पर तो कुछ भी इम्तिहान नहीं है, हम खा रहे हैं पी रहे हैं मौज ले रहे हैं, हमें ये फिक्र ही नहीं है। लेकिन हम नमाज से कितनी दूर, हमारे अमाल कैसे हो गए मेरे अजीज़ों। नमाज का ख्याल रखें, मेरे आका की मेरे नबी की आँखों की ठंडक है नमाज। अब नबी की आँखों को ठंडक यार कौन पहुँचाना नहीं चाहेगा, बताइए दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप नहीं चाहोगे मैं आका की आँखों को ठंडक पहुँचाऊँ, नबी की आँखों को ठंडक पहुँचाऊँ, ऐसा नहीं मेरे अजीज़। नमाज का ख्याल रखें। तो सवाल मेरा ये है, कौन से अल्लाह के नबी के वो सहाबी हैं जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सबसे पहले तलवार उठाई। उन सहाबी का नाम आपको कमेंट में बताना है। मैं आपकी कमेंट देखता हूं कि किसने क्या लिखा है, तो इंशाल्लाह फिर मैं कल सुबह को बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह के नबी के सहाबी जिन्होंने सबसे पहले आका की हिफाजत के लिए तलवार उठाई वो कौन है। पहले आप मैं आपकी कमेंट देखूंगा किस किसने क्या लिख के भेजा, क्योंकि इसके बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। आपको अब मालूम नहीं होगा, आप लिख के भेजें कुछ भी जो आपको आपके जहन में है, और आपको नहीं मालूम होगा तो कल सुबह यानी कि कल को 9 दिसंबर की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज 8 दिसंबर है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज तमन्ना पूरी करे। तो मेरे अजीज़ों आपने ये सवाल भी सुन लिया, इसका भी जवाब दे, कल के सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए। अब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ कि बेहिसाब इसकी फरमाइश आई है, तो इंशाल्लाह ताला मेरे अजीज़ों कलाम पूरा सुन के जाना, बहुत प्यारा कलाम है। आए है मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। तो चलिए मेरे दोस्तों कलाम सुनते हैं, उससे पहले शाह भाई के लिए दुआ करें, और जो मक्का मदीना जाने के लिए तड़प रहे हैं और सबके लिए दुआ करें, टोटल जो मेरे भाई बहन माँ बहन सब जो भी तड़प रहे हैं, आप दिल से दुआ करें कि हर मुसलमान की अल्लाह ताला हर परेशानी दूर कर दे, और जो तड़प रहे हैं ना जाने के लिए मक्का मदीना, अल्लाह उनको उस दर की ज़ियारत करा दे। तो चलिए मेरे अजीज़ों कलाम सुनते हैं। मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। सुने कैफ सा छा गया मैं मदीने चला, सा छा गया मैं मदीने चला, कैफ सा छा गया मैं मदीने चला, झूमता झूमता हाँ झूमता झूमता हाँ झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, मैं मदीने चला मैं मदीने चला, फिर करम हो गया हाँ फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला। और सुने तेरे आका कदर होगा पेशे नजर, ओ मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, तो चाहिए और क्या हाँ चाहिए और क्या मैं मदीने
चला चाहिए और क्या मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला और सुने अब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर सब्ज गुंबद का नूर जंग कर देगा दूर अरे पाएगा दिल जिला पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला पाएगा दिल जिला मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला सुने अश्क थमते नहीं पाँव जमते नहीं 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 लड़खड़ाता हुआ हाँ लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला लड़खड़ाता हुआ मैं मदीने चला 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 फिर करम हो गया मैं मदीने चला फिर करम हो गया मैं मदीने चला देख तारे मुझे ये नजारे मुझे देख तारे मुझे ये नजारे मुझे नजारे मुझे तुम भी देखो जरा हाँ तुम भी देखो जरा मैं मदीने चला तुम भी देखो जरा मैं मदीने चला 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 फिर करम हो गया मैं मदीने चला मदीने चला मैं मदीने चला आखिरी शेर सुन ले क्या करेगा इधर बांध रखते सफर क्या करेगा इधर हाँ क्या करेगा इधर क्या करेगा इधर बांध रखते सफर क्या करेगा इधर बांध रखते सफर क्या करेगा इधर बांध रखते सफर चल उबैदे रजा चल उबैदे रजा मैं मदीने चला चल उबैदे रजा मैं मदीने चला मैं मदीने चला मैं मदीने चला
फिर करम हो गया मैं मदीने चला। तो मैं मदीने चला। मेरे अजीजों कैसा लगा ये कलाम, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में राय पेश करें। और मैन जो कमेंट आपको करनी है वो यही करनी है, अल्लाह के नबी की वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने आका की हिफाजत के लिए सबसे पहले तलवार उठाई, उनका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो, आने वाले हमारे कलाम, आने वाले सवाल जवाब, हम अमल या वजीफे भी बताए हैं हमने, वो भी बताएंगे इंशाल्लाह आगे चल के, तो सभी कुछ अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। और मेन बात, शहाब भाई की अपडेट भी आप तक पहुँचती रहेगी। फिलहाल वो आफिया किड्स स्कूल में रुके हुए हैं 2 महीने 11 दिन, आज 8 दिसंबर तक शहाब भाई को आफिया किड्स स्कूल में हो गए हैं, जो पंजाब के अमृतसर में है और अमृतसर के गाँव, ज़िला अमृतसर के गाँव खासा में है। स्कूल का नाम है आफिया किड्स स्कूल। जो भाई भी मिलना चाहते हैं शाह भाई से तो जा सकते हैं, एड्रेस पक्का है, आराम से मिलकर आ सकते हैं, फिर पाकिस्तान में एंट्री कर लेंगे तो आपको मिलने नहीं मिलेगा। शाह भाई के लिए दुआ करें, हर मुसलमान भाई बहन जो परेशान हाल है उनके लिए दुआ करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं अजमेर शरीफ जाने वाला हूँ कुछ दिनों में, मेरे लिए भी दुआ करें कि हमारा सफ़र अल्लाह ताला मुबारक करें। और अजमेर शरीफ में जो भी हमें, अगर हमारा कोई भाई हमें सुनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुलाकात कर सकता है। अजमेर शरीफ जाएँगे, जयपुर जाएंगे, आगरा जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो ये 3 या 4 दिन का हमारा सफ़र रहेगा। सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाएंगे, उसके बाद में फिर उधर से सब में घूमते हुए आएंगे, तो हमारे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ताला ब्लॉग भी बनाकर डालेंगे, रास्ते की वीडियो बना के ब्लॉग के जहाँ भी पहुँचेंगे डालेंगे, और आपको रास्ते में ही नाज शरीफ भी सुनाते रहेंगे इंशाल्लाह, और सिहाब भाई की अपडेट भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। चलता हूँ इंशाल्लाह ताला, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।